चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों एनएमसी ने स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है जो एमसीसी की काउंसलिंग है और स्टेट की काउंसलिंग है वो दोनों पैरल में चलती रहेंगी तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम का शेड्यूल क्या था और इसके बाद स्टेट का शेड्यूल क्या होगा कि फर्स्ट राउंड का एमसीसी का क्या रहेगा उसके बाद में स्टेट का क्या रहेगा इसमें तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड आपको पता ही है एमसीसी का राउंड पहले रिलीज हो चुका है ये नाइनटीन जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 28 जनवरी 22 तक रहेगा इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी डिम्ड की होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होगी इसके बाद में ईएसआईसी की होगी एम्स जिपमर एफएम एफएमएस की काउंसलिंग होगी यानी का रजिस्ट्रेशन ही होगा काउंसलिंग एफएमएस द्वारा की जाएगी तो इनका जो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है और फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो नाइनटीन जनवरी 22 से लेके 28 जनवरी 22 तक रहने वाला है ये सब आपको पता है अब स्टेट का फर्स्ट राउंड हर एक स्टेट का फर्स्ट राउंड ट्वेंटी जनवरी 22 से स्टार्ट होकर के इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी 22 यानी इसी के बीच में स्टेट का फर्स्ट राउंड कंडक्ट होगा इसके बाद में जो लास्ट डेट ज्वाइनिंग होगी वो एमसीसी की यानी ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स जिपमर ई इनके लिए जो लास्ट डेट ज्वाइनिंग रहेगी फोर्थ फरवरी ट्वेंटी टू है और स्टेट की कंडीशन में स्टेट कोटा काउंसलिंग जो जो है उसकी लास्ट डेट फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग रहेगी वो सेवन फरवरी ट्वेंटी टू रहेगी इसके बाद में सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल एमसीसी का नाइन्थ फरवरी से स्टार्ट हो रहा है एटीन फरवरी तक है और स्टेट का 15 फरवरी से स्टार्ट होकर के 18 फरवरी ट्वेंटी टू तक ये शेड्यूल रहने वाला है सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अब जो सेकेंड राउंड की लास्ट डेट ज्वाइनिंग रहेगी एमसीसी की ट्वेंटी सिक्स फरवरी को है और स्टेट की रहेगी ट्वेंटी फोर्थ फरवरी ट्वेंटी टू को इसके बाद मोपअप राउंड की बात करें तो ऑल इंडिया का राउंड है एमसीसी का जो राउंड होना है ऑल इंडिया ईएसआईसी एम्स जिपमर उनका जो राउंड होना है इसमें डिम्ड यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड है तो ये सेकेंड मार्च से स्टार्ट होके इलेवेंथ मार्च ट्वेंटी टू तक रहेगा मोपपराउंड एम सी का स्टेट की बात करें तो ये सेवन मार्च से लेके टेंथ मार्च ट्वेंटी टू तक रहेगा मोप अप राउंड की जो जॉइनिंग जो रहेगी वो एमसीसी की 19 मार्च 22 तक रहेगी और स्टेट की 15 मार्च 22 तक रहेगी लास्ट डेट जॉइनिंग की अब बात करें हम स्टे वैकेंसी राउंड की तो स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी का होगा ऑनलाइन वो उसमें होगा ऑल इंडिया का होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा इसके बाद में एस आई सी एम्स जिपमर और डीम्ड का कंसर्ड डिम्ड के द्वारा होगा ये ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा हो। इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो वैकेंट सीट रहेंगी उनको टाइम टाइम की जो टाइम टाइम की लिस्ट होती है वो उनको फॉरवर्ड कर दी जाएगी और जो बाकी इंस्टीट्यूशन है डीम्ड के अलावा बाकी सभी का स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी डेट लेके 22 मार्च 22 तक से लेकर इसके बाद में जो ज्वाइनिंग जो रहेगी इसकी लास्ट डेट वो 26 मार्च को रहेगी स्टेट की कंडीशन में स्टे वैकेंसी राउंड 16 मार्च 22 तक कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट डेट 20 मार्च 22 तक रहेगी लास्ट डेट ज्वाइनिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड की तो ये जो शेड्यूल है ये स्टेट का शेड्यूल भी है और एमसीसी का शेड्यूल जो कल रिलीज हो गया एमसीसी का शेड्यूल वही है तो एमसीसी का और स्टेट की जो काउंसलिंग है वो पैरेलल ही चलती रहेगी पहले एमसीसी का राउंड होगा फिर स्टेट का राउंड होगा फिर सेकेंड राउंड होगा एमसीसी का फिर स्टेट का सेकेंड राउंड होगा फिर एम का मोप राउंड होगा और स्टेट का मोपअप राउंड होगा जो स्टेट के राउंड हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा है इस प्रकार का शेड्यूल पहले भी एमसीसी द्वारा जारी कर दिया जाता था शोरी एनएमसी द्वारा जारी कर दिया जाता था तो इसमें स्टेट अपनी सुविधा के अनुसार एक या दो दिन आगे पीछे कर लेते थे लेकिन ये सेम सी शेड्यूल रहने वाला है पहले एम का शेड्यूल होगा और उसके बाद में स्टेट का रहेगा तो ये डेट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया है एनएमसी ने और ये काउंसलिंग इस प्रकार से चलती रहेगी नीट ट्वेंटी वन के लिए तो इसके बाद में जो भी और कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे आ, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद